डॉक्टर साहब, क्या बवासीर 2 से 3 दिनों में ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, बहुत दर्द होता है, जलन रहती है, ठीक से बैठा भी नहीं जाता। क्या कोई ऐसा इलाज नहीं जो बवासीर को जल्दी ठीक कर सके? ये सवाल लेकर मेरे पास मरीज आते हैं। कुछ तो बवासीर से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि बाहर के जो विज्ञापन चलते हैं ना कि मात्र 2 दिन में बवासीर का इलाज, ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए, लगाते ही बवासीर का मसला गायब, दवाई खाते ही बवासीर का नामो निशान गायब। ये दवा लीजिए और 2 से 3 दिन में बवासीर को कहिए गुड बाय। ऐसे ही कई मार्केट्स में सेलर्स हैं जिन पर विश्वास कर कर उनकी दवाइयां तो खा लेते हैं, ऑइंटमेंट को बार बार लगाते हैं, लेकिन असर नहीं होता। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, होता है, लेकिन एकदम से छुमंतर हो जाए, गायब हो जाए, ऐसा वाला नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सच में बवासीर का इलाज 2 से 3 दिनों में नहीं किया जा सकता? क्या बवासीर सिर्फ 3 दिनों में ठीक हो सकता है? क्या कुछ दिनों की रेगुलर दवाइयां या ऑइंटमेंट हमें बवासीर से छुटकारा दिला सकती हैं? आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं डॉक्टर सहेज जोशी हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पाइल्स, फिशर या फिश्चूला या कब्ज जैसी समस्या है और आप भी इन विज्ञापनों के पीछे भागते हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना है, बिना एक भी पार्ट मिस किए, क्योंकि ये आपको गुमराह होने से बचाने वाला वीडियो है। लेकिन सबसे पहला काम आपने जो करना है वो नीचे दिख रहे बटन को दबाकर घंटी बजा देनी है, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन और मुझे आपका प्यार मिलता रहे। देखिए दोस्तों, बवासीर का इलाज 3 दिन में संभव है या नहीं, ये समझने से पहले हमें बवासीर को समझ लेना चाहिए। इसे पाइल्स या हेमोरॉइड भी कहते हैं और ये तब होता है जब मलाशय, गूदा या पॉटी की जगहों पर जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, और आजकल ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है जिसे 60% लोग किसी ना किसी एज में सफ़र करते ही करते हैं। जब ये समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जलन होती है, खुजली होती है, और कभी कभी टॉयलेट करते वक्त खून भी आता है। अब जाहिर सी बात है, खून आएगा तो डर तो लगेगा ही, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बवासीर के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस टाइप के बवासीर से ग्रसित हैं। तो पहला है इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी आंतरिक बवासीर, और दूसरा है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी बाहरी बवासीर। इंटरनल यानी लैट्रिन के रास्ते की जो अंदरूनी नसें होती हैं उनमें अगर सूजन आ जाए तो वो होता है इंटरनल बवासीर, जबकि बाहर की नसों में अगर सूजन आ जाए, वो फूल जाए, तो उसे कहते हैं बाहरी या एक्सटर्नल बवासीर। इसे आप हाथ से भी महसूस कर सकते हैं, पर्टिकुलर जगहों पर अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको मस्से जैसे फील होंगे, और यही बाहरी बवासीर की पहचान है। जबकि इंटरनल में मस्से जो होते हैं वो अंदर होते हैं और एक्सटर्नल के मुकाबले कम पेनफुल होते हैं। इंटरनल में खुजली महसूस हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल में दर्द, खुजली और जलन बहुत ज़्यादा होता है, और मरीज को बैठने उठने में भी तकलीफ रहती है। हालांकि इंटरनल में मरीज ब्लडिंग से परेशान रहता है, इसमें खून ज़्यादा बहता है। ऐसे में दोनों ही कंडीशंस में मरीज को जल्द से जल्द आराम की ज़रूरत रहती है, जिसके लिए वह तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करता है, चुटकी बजाकर बवासीर खत्म करने वालों पर भी भरोसा कर लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बवासीर कितने दिन में ठीक होगा, ये बवासीर के टाइप और आपकी परेशानी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये समस्या आपको कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है, तो मात्र अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने मात्र से ही आप इस बीमारी को मात दे सकते हैं। लेकिन अगर समस्या कई सालों से बनी हुई है तो इलाज भी लंबा ही चलेगा, और इलाज में भी आपको रेगुलरिटी रखनी होगी, और इलाज में भी अगर आप होम्योपैथी की तरफ जाते हैं तो राहत और जल्द मिलेगी, और ये समस्या से छुटकारा भी जल्द मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बवासीर की जड़ को पकड़कर उसे उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। अब आप बेशक कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, टेम्परेरी दवाइयां भी खा सकते हैं, इससे आपको राहत भी मिलेगी, लेकिन गौर कीजिएगा, सिर्फ राहत मिलेगी, वो भी थोड़े समय के लिए, और फिर से सेम परेशानी। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, और बवासीर के लिए होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं, लेकिन हाँ, आपने कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह पर लेनी है और पूरा कोर्स करना है, कंटिन्यूसली करना है, ताकि परेशानी जड़ से खत्म हो सके। अगर अब भी आपके मन में ये सवाल है कि फिर कितना टाइम पाइल्स की रिकवरी में लग सकता है, तो आपको ये 5 चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1, बवासीर का प्रकार और सीवियरिटी।
सीवियरिटी यानी गंभीरता, जैसे इंटरनल बवासीर को गुदा के अंदर होता है, इसमें दर्द तो कम रहता है लेकिन ब्लीडिंग बहुत होती है। लेकिन एक्सटर्नल बवासीर की तुलना में इंटरनल बवासीर को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, इसे जल्दी सही किया जा सकता है, साथ ही खून का आना भी बहुत जल्दी कम होता है, बशर्ते आप दवाइयाँ टाइम से लें, कोर्स पूरा करें और डॉक्टर की सलाह पर चलें और अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करें। होम्योपैथी में कुछ ऐसी भी मेडिसिन हैं जो 3 से 7 दिनों में इंटरनल बवासीर को खत्म कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना बेहद ही जरूरी है। अब समझते हैं बाहरी हेमोरॉइड्स यानी एक्सटर्नल बवासीर के बारे में। ये इंटरनल की तुलना में इलाज में समय लेता है और आपसे कुछ सैक्रिफाइस भी मांगता है। पहला तो इलाज अगर होम्योपैथिक है तो कोर्स पूरा कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें और सबसे जरूरी अपने खानपान में सुधार करें, क्योंकि बवासीर की जो समस्या होती है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी जैसे भी खानपान बिगड़ा वैसे ही आपको बवासीर जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए पहचानिए कि वो कौन सी चीज है जिनकी वजह से आपको बवासीर हुआ है और उन सभी चीजों से जितना हो सके दूर रहिए। दूसरा फैक्टर है उपचार या इलाज का तरीका। इलाज क्या ले रहे हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, कैसा ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, मतलब समझाता हूँ। बवासीर में कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ऑइंटमेंट यूज करते हैं, कुछ लोग पेन किलर खाकर टाइम पास कर लेते हैं, जबकि कुछ सिर्फ अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं और बस। लेकिन दोस्तों ये बवासीर का सही इलाज नहीं है। हाँ, लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करने से राहत मिलेगी लेकिन ये अधूरा है, इसे पूरा कीजिए डॉक्टर की सलाह लेकर, दवाइयां लेकर। और मेरा तो सजेशन है कि होम्योपैथिक इलाज ही लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी परेशानी को समझकर उसकी जड़ तक जाकर वो क्यों कैसे किन रीजन से शुरू हुई ये सारी चीजें समझकर फिर उसका इलाज शुरू करते हैं, जबकि पेन किलर आपको सिर्फ दर्द में राहत देगी और इससे समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। डाइट हेल्प करेगी लेकिन अकेले वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए बवासीर अगर है तो संपूर्ण इलाज लीजिए ताकि पूरी तरह से राहत मिले। कई बार तो तकलीफ बढ़ने पर सर्जरी भी करनी पड़ती है, इसलिए सर्जरी का ऑप्शन भी हमें रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल या जीवन शैली, इस शब्द का मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जो पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप इसमें बदलाव करते हैं तो बहुत जल्दी बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। हेल्दी डाइट लीजिए, अपने आहार में से तला भुना तेज मसालेदार खाना रिमूव कीजिए, और अगर आपको ज्यादा देर बैठे रहने की आदत है तो इसे बदल दीजिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहने के कारण कब्ज हो सकता है और कब्ज से पाइल्स जैसी बीमारियां। इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी खाना खाइए, लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों फिजिकल हेल्थ। बवासीर का इलाज कितनी जल्दी होगा और कितनी देर में, ये बात आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी डिपेंड करने वाली है। मतलब आप किस तरह की बीमारी, जैसे डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई और बीमारी है जिसकी आप दवाइयां ऑलरेडी खा रहे हैं, तो रिकवरी में बेशक टाइम लग सकता है। पांचवा और आखिरी फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मेंटल हेल्थ। आज का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, तनाव रहता ही है। हर दूसरा इंसान किसी ना किसी तरह की टेंशन से परेशान है। अगर आपका भी वर्क ऐसा है जो बहुत तनाव देता है, एंजाइटी रहती है, तो रिकवरी का टाइम पीरियड बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बवासीर की रिकवरी का जो टाइम पीरियड है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बढ़ या घट सकता है। मरीज की स्थिति कैसी है उस हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए आपको किसी के भी कहने से ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि बवासीर से मैं सिर्फ 2 या 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। हाँ, हो सके, कुछ मरीज होते भी हैं लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर आप प्रॉपर तरह से डाइट ले रहे हैं, सभी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दवाइयां टाइम से टाइम ले रहे हैं, कोर्स पूरा कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, मरीज की स्थिति तय करेगी कि उसका इलाज कितने दिनों में या कितनी जल्दी संभव है। इसलिए कोई भी अनरियलिस्टिक या मैं कहूँ ख्याली पुलाव अपने दिमाग में नहीं बनाना है कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा या इतने दिन में। बस फोकस इस बात पर रखिए कि मुझे पूरी तरह से ठीक होना है और बवासीर को ऐसे भगाना है कि ये दोबारा मुझे परेशान ना कर सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस रखना बहुत जरूरी है ताकि हमारी और आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।